कोतवाली पुलिस ने टप्पेबाजी कर के दुकानदारों से रुपए लूटने वाले शातिर टप्पेबाज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके पास से पुलिस ने 3000 रुपए और 400 ग्राम नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त मूल रूप से कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है और कई थाना क्षेत्रों में टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शमशाद अंसारी पुत्र हमीद अंसारी निवासी महजीडिया टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया। ठीक है भैया, ये टप्पेबाज शमशाद अंसारी रामकोला थाना जनपद कुशीनगर का रहने वाला है, महजीडिया टोला है। ये व्यापारियों के दुकानों में घुसकर सामान खरीदने के नाम पर विश्वास में लेकर के, और जैसे ही मौका पाया कि व्यापारी अपने गले से उठ करके सामान देने के लिए निकले और तत्काल जो है गले से पैसा निकाल करके चला जाता था। सीसीटीवी में इसके फोटो भी कैद हुए हैं और उन फोटो के आधार पर इसकी पुलिस द्वारा पहचान कराई जा रही थी कि आज दुकानदार के यहाँ इन्होंने प्रयास किया और उस दौरान ये पकड़ा गया और इसने बहुत सी घटनाएं कारित की हैं, जो उनको स्वीकार करते हुए बताया कि अब तक हमने हमारा काल क्षेत्र जो है वो साहबगंज मंडी और इर्द गिर्द मदीना मस्जिद और घंटाघर एरिया है, जहाँ से हमने करीब 35 लाख रुपए इस तरह से गोलक से निकाल करके अपराध कारित किया है। और थाना राजघाट और थाना कोतवाली से इसके पहले भी गिरफ्तार होकर के जेल जा चुका है। जनपद कुशीनगर के थाना कसया और तरिया सुजान से भी गिरफ्तार होकर के जेल जा चुका है। ये नेपाल के जुआ का जो अड्डा है, जो वहाँ का चलता है, उसका एक रजिस्टर्ड मेंबर है। उसके पास से उसका कार्ड रजिस्ट्रेशन का बरामद हुआ है और ये इस तरह से अपराध कारित करके नेपाल जा कर के जुआ खेलता है और नशा पीने का भी आदि। पास से नकद अभी 3000 रुपये बरामद हुए हैं और प्लस जो नशे के मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है और शातिर किस्म का ये टप्पेबाज है और अकेले रह करके अपराध कर। इसके बताने के अनुसार कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी घटनाएं की है, लेकिन ये जरूर है कि हमने करीब 35 लाख रुपये हासिल किया है इस तरह से घटनाएं करके और उनको हमने जुआ खेला। कितने दिनों के अपने शौक को पूरा किया है और यह पादरी बाजार में किराए पर पड़ा हुआ। कितने दिनों से इस धंधे में लिप्त हैं? ये क्राइम करने में करीब 3 वर्षों से कार्यरत है और 3 वर्षों से अपराध कर रहा। 2017 में भी पकड़ा गया है, 18 में गिरफ्तार है, अभी 3 महीने पहले छूट करके गिरफ्तार का। इसका मुख्य पसंदीदा एरिया साहबगंज मंडी और उसके इर्द गिर्द मदीना मस्जिद और घंटाघर है और उधर कसया और तरिया सुजान जहाँ कस्बे नुमा है, जहाँ मंडी है, उन्हीं जगहों पर घूम फिर कर देखा। अभी टप्पेबाजी की घटनाएं कारित इसने किया है विश्वास में लेकर के, लेकिन वो कहाँ दर्ज है अभी तक इसको समय की जानकारी न होने के कारण अभी पता नहीं चल पाया है। इसके आपराधिक अभियोगों की छानबीन की जाए।